तरफ मेरी मुंह की तरफ बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है और आप देखेंगे मैं ये सब किस तरीके से कवर करूंगी सबसे पहला स्टेप है इस टू अच्छे तरीके से आपने सनब्लॉक लगाना है सनब्लॉक सबसे नेसेसरी स्टेप होता है आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ सो प्लीज आपका सनब्लॉक बिल्कुल भी आप स्किप ना करें आपको जो अच्छा सनब्लॉक लगता है आप यूज करें मैं क्लिनिक लाहौर का यूज कर रही हूं आई फाइंड इट टू बी द परफेक्ट सनब्लॉक फॉर मेकअप डेस इसलिए मैं हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ मैं इसी का सन ब्लॉक यूज करती हूँ बहुत अच्छे से आप अप्लाई करें अपने हाथों पे अपने नेक पे अपने पूरे फेस पर और उसको दो से तीन मिनट दें वो अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए फिर उसके बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करना है मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का स्नो सिरम यूज़ कर रही हूँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिरम बहुत अच्छे तरीके से आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है और प्रेप करता है आपकी मेकअप बेस पर फाउंडेशन आई एम यूजिंग एल्जम ब्यूटी फाउंडेशन बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बहुत ज़्यादा भी भी नहीं नहीं है, है. और इसकी एक बहुत फिनिश है, जो मुझे basically इस को सबसे ज्यादा मुझे जो अट्रैक्ट करता है इस के बारे में, फिनिश ऑफ दिस फाउंडेशन बहुत नेचुरल फाउंडेशन नेचुरल फिनिश है इसकी बहुत ड्राइंग नहीं है बहुत केक डप नहीं है सो इट इज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बोथ और इट इज़ द परफेक्ट मैच मेरे स्किन टाइप के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हैं और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और मेरे सारी पिगमेंटेशन को कितने अच्छे तरीके से इस फाउंडेशन ने कवर किया है आप देख सकते हैं कोई भी आप ब्यूटी स्पंज लें बहुत आराम से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करें और उसके बाद आफ्टर ब्लेंडिंग इट आउट आप कोई सा भी कंसीलर लें मैं मेबलन का फिटमी कंसीला फिटमी नहीं एज रिवाइंड सॉरी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसको अपने आईज़ पे भी यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से मैं प्रेप कर सकूँ और अपने सारे एरियाज पे जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंडिंग करना है ब्लेंडिंग में आपने टाइम लगाना है जितना अच्छा आप ब्लेंडिंग करेंगे उतनी अच्छी आपकी बेस बनेगी जितनी अच्छी आपकी बेस बनेगी उतना नो मेकअप मेकअप लॉक क्रिएट होगा उसके बाद आपने बहुत कोई सॉफ्ट सा क्रीम ब्रॉन्जर लेना है कोई सा भी लें मेरे पास मैक था तो मैंने मैक यूज कर लिया और यूजिंग अ ब्यूटी स्पंज आप उसको यूज करें और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडन करें अपने सारे उन एरियाज पे जहां आपको ब्राउन्सअप करना है या जहां आपको अपना अपने चेहरे पे कलर लाना है जैसे आप देख सकते हैं मैं बहुत सॉफ्ट ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ बिल्कुल कोई हार्श मुझे लाइन नहीं चाहिए क्योंकि एक नो मेकअप मेकअप लुक है इसमें आपको बहुत नेचुरली चीजों को लेयर करना होता है प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली इट्स आपने आपने मेकअप यूज करना है मेकअप यूज हो रहा है लेकिन आपने किस तरीके से मेकअप यूज करना है दैट्स मेन टेक्निक विद दिस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड इन कर लिया है और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है ब्लेंड इन करने में ताकि वो मेरे फाउंडेशन के साथ जेल इन कर जाए और ऐसा ना लगे कि मेरा फाउंडेशन और मेरा ब्रॉन्जर दो अलग अलग आ, चीज़ें हैं और मेरी स्किन पर बैठी हुई हैं ना कि वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हुई हुई हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड इन करना है अपनी नोज पे अपनी फोरहेड पे अपने चीक्स पे और अपने नेक पे ताकि एक बहुत अच्छा ब्रॉन्स लुक आए अगर आप ब्रॉन्सिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा एक बहुत फ्लैट लुक आएगी और नेचुरल लुक में फ्लैट लुक हमें नहीं चाहिए होती है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हमारे चेहरे पे बहुत सारे कलर वेरिएशंस आ रहे होते हैं ऐसा नहीं एक फ्लैट फ्लैट कलर है कहीं पे पिगमेंटेशन है कहीं पे ज्यादा फेयर है कहीं पे थोड़ी ज्यादा हमारी डार्कनेस है तो आपने नेचुरल रखना है और उसको नेचुरली मिमिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है उसी ब्राउन्जर को लेकर मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है बेसिकली और मैंने अपनी लैश लाइन पे भी वही ब्राउन्जर यूज किया है ताकि एक बहुत नेचुरल आई लुक भी क्रिएट हो मैं अपने आई लेट्स पे नहीं कर रही हूँ अपने आई लैश पे कर रही हूँ ये चीज याद रखिएगा पे इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लीन एंड आई जस्ट अ वॉन्टल बिट कलर ऑन माई लैश लाइन दैट्स इट आफ्टर दैट आई एम यूजिंग एनी बेकिंग पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं मेरे पास फिटमी है तो मैंने फिटमी यूज किया है आप जैसे बार बार देख सकते हैं मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं मैं सब आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ जरूरी नहीं है आप ये प्रोडक्ट यूज करें हाँ दीज प्रोडक्ट्स वर्क ब्यूटिफुली ऑन मी आप पर शायद करें या ना करें आई एम नॉट श्योर तो अपनी स्किन टाइप के लिहाज से आप उसको देखें मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपना फेस सेट कर लिया है ताकि एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग बेस रहे ऐसा ना हो अक्सर क्या होता है जब भी आप और एक डेढ़ घंटे बाद वो सारा मेल्ट ऑफ हो जाता है that, मैं एक बहुत अपनी कर रही हूं, लेकिन मैं एक बहुत सॉफ्ट नो मेकअप मेकअप लुक कर रही हूँ लेकिन दिस इज गोइंग टू लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम तो इस वजह से मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है अपनी बेस पे उसके बाद आफ्टर पाउडर मैंने एक पाउडर ब्रोंजर लिया है मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की मेकअप किट ली है व्हिच इज देयर ब्रोंजर और उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना फेस ब्रोंज अप कर रही हूँ। लेकिन स्टिल बहुत लाइटली ब्रोंज कर रही हूं बिल्कुल भी ज्यादा मैं पिगमेंटेशन की तरफ नहीं जा रही हूं आई एम कीपिंग इट एज नैचुरल एज पॉसिबल जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत लाइट हैंडेडली कर रही हूँ और बहुत ज्यादा ब्लेंड इन कर रही हूँ और अपने नोज पेड पे, पे बहुत अच्छे से अपलाई कर रही हूँ तरीके से बहुत ब्लेंडेडली अप्लाई कर रही हूँ ताकि इट लुक्स लाइक इट्स द सेम ग्रेडियंट एक आपका आ रहा है फाउंडेशन का ब्रॉन्जअप का और कोई अलग अलग चीजें नहीं लग रही है इस पे बहुत ज्यादा आपने काम करना है विच इज द ब्लेंडिंग पार्ट ऑफ फाउंडेशन योर ब्रॉन्जर एंड योर कंसीलर ये जितने अच्छे तरीके से ब्लेंडेड होंगे उतना ज्यादा सीमलेस आपका लुक लगेगी नाउ गोइंग टूवर्ड्स द ब्लश ऑन मैं एक पिंक सा ब्लश यूज कर रही हूँ ताकि एक बहुत सा बहुत नेचुरल पिंकी लुक लगे कोई मैं रंग बरंगा कुछ भी नहीं कर रही हूँ बहुत सॉफ्ट रख रही हूँ लेकिन इसमें क्या गलती हुई जैसे कि आप देख सकते हैं दिस ब्लश इज वेरी पिगमेंटेड तो इसमें एक पूरा पैच बन गया पिगमेंटेशन का और वो मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंडन कर रही थी और इसी में मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूं, अगर आपका ब्लश ऑन बहुत ज्यादा हो जाए और आप क्लाउन लाइक आपको लगता है कि क्लाउन लाइक लग रहा है सो वॉट यू डू सिंपली आप कोई भी पाउडर ब्रश लें और पाउडर ब्रश लें और एक पाउडर के साथ उस ब्लश पे अच्छे तरीके से उसको ब्लेंडन करें ताकि बहुत अच्छे से वो एक बिल्कुल ब्लेंडेड हो जाए और वो और मजीद सॉफ्ट हो जाए अगर आपका ब्लश ऑन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है जो कि ये फाउंडेशन फाउंडेशन नहीं ये ब्रश भी नहीं दिस ब्लश ऑन वॉज वेरी पिगमेंटेड तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया बहुत आसान तरीके से आपने बस उसको पाउडर यूज किया और बहुत अच्छे से वो ब्लेंडेड हो गया और आप देखें आप कितना सॉफ्ट लुक लग रहा है अगेन जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने सॉफ्ट साइड पे रखा है इसको बिल्कुल भी हार्श नहीं रखना है और अब मैं बिल्कुल अपने लास्ट स्टेप पे जा रही हूँ मेरा बेस सारा हो चुका है नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स माय आईज मैंने बहुत लाइटली वन कोट किया है मैंने अपनी आई uh, को मस्कारा यूज़ किया है मैंने लॉरियल uh, का यूज़ किया है यू कैन यूज़ एनी मस्कारा यू लाइक

टू आवर्स गारंटीड लेकिन आपको बहुत नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक इसमें मैंने आपको क्रिएट uh, करके दिखाया है सी यू